मैं सूर्य भान नेट्स और टीम से जिंदल पावर तिरुपति आंध्र प्रदेश में 100 कैलोरी का MBR टेक्नोलॉजी STP प्लांट इंस्टॉल किए हैं। अब आइए मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में बता दूं। और ये आपका बार स्क्रीन चैम्बर है, आप देख सकते हैं इसमें SS का फाइन स्क्रीन डाला गया है। इनलेट लाइन आ रहा है जो ह्यूमन वेस्ट वाटर आ रहा है। और इसमें क्या है कि ये SS का फाइन स्क्रीन डाला गया इसलिए कि इसमें जो भी पार्टिकल्स आएगा प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह वो एक्वलेशन टैंक में नहीं जाएगा, जिससे कि हमारा राश वेटेड ट्रांसफर पंप डैमेज होने का चांस रहता है वो डैमेज नहीं होगा। और ये आपका एयर ग्रिड लाइन है, इसमें फाइन डिफ्यूजर डाला गया है स्लज को मिक्स करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं मेन होल है, यहाँ से 2 राव सीवेज ट्रांसफर पंप डाला गया है, 1 रनिंग 1 स्टैंड बाय चलेगा। और ये आपका कॉमन हैंडर है इसका, और ये आपका कंट्रोलिंग वाल्व है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपका बाईपास वाल्व है, और ये आपका इनलेट फ्लो मीटर है, इसका भी हेडर बना हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। अगर फ्लो मीटर डैमेज हो गया उस स्थिति में इस वाल्व को ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ से स्वेट ट्रांसफर पंप द्वारा ये जो लाइन आ रहा है यहाँ से बाईपास हो जाएगा। और ये आपका H गुरु का प्रेशर गेज है 4 kg का, और ये आपका इनलेट pH मीटर का सेंसर है, और ये pH मीटर है इनलेट का। और ये आपका एयर ब्लोअर है, और इसका कॉमन हेडर बना हुआ है। ये आपका कंट्रोलिंग बटरफ्लाई वाल्व है, और इसका मोटर है हेवेल्स का 10 HP का, इसका कैपेसिटी है 220 MQ, RPM है इसका 1240। और ये आपका CIP टैंक है, और ये जो लाइन आ रहा है आपका प्रोसेस फिल्टर फिप पंप से आ रहा है। ये आपका डोजिंग टैंक है, क्लोरीन डोजिंग टैंक, और ये आपका डोजिंग पंप है, 1 रनिंग 1 स्टैंड बाई चलेगा। और इसका कनेक्शन वैक्यूम प्रेशर पंप लाइन में किया गया है, जैसे कि मेम्ब्रेन क्लीनिंग करते समय इसको रनिंग किया जाएगा। और आपका यह H गुरु का प्रेशर गेज है 2 kg का, और ये आपका CIP पंप है, और ये आपका क्रिलसर का मोटर है CIP पंप का, और इसका कॉमन हेडर है। और ये आपका वैक्यूम प्रेशर पंप है जो मेम्ब्रेन को क्लीन करने के लिए, और इसका मोटर है किर्लोस्कर का 1.5 HP का, और इसका कॉमन हेडर है, एक कंट्रोलिंग वाल्व है। और आपका यह प्रोसेस फिल्टर फीड पंप है 2 किर्लोस्कर का, इसका भी मोटर 1.5 HP का है, इसका भी कॉमन हैंडर है। और यहाँ से आपका ट्रीटेड वाटर इधर से आ रहा है आपका, ये आपका आउटलेट फ्लो मीटर है, और ये आपका pH मीटर है आउटलेट, और ये एक मोटराइज वाल्व है बैक वॉशिंग का, और ये आपका मोटराइज वाल्व है प्रोसेस फिल्टर फीड पंप का। और आपका यह कंट्रोल पैनल है PLC प्रोग्रामिंग का, जो ऑनलाइन भी प्लांट ऑपरेट हो सकता है। और ये आपका एनोक्सिक टैंक है, इसमें एजिटेटर है देखिए पानी को मिक्स करने के लिए, और यहाँ से फ्लो होकर बायोलॉजिकल टैंक में आता है, जिसमें कि एयर ग्रेड इसमें डिश टाइप डिफ्यूजर डाला गया है बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए, और उसको
जनरेट करने के लिए इसमें फूड्स डोज किया जाता है, जैसे कि फ्लावर, जैगरी, यूरिया, डीएपी इत्यादि। और यहाँ से फ्लो होकर एक्टिवेटेड सोलर रिएक्टर टैंक में आता है, और इसमें आप देख सकते हैं ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है एसएस का, जिसमें कि मेम्ब्रेन 0.1 माइक्रोन का डिप किया गया है। और आपका यह आउटलेट फीड इनलेट कनेक्शन है, यहाँ से प्रोसेस फिल्टर फीड पंप के थ्रू ट्रीटेड वाटर सक किया जाता है, और यहीं से वैक्यूम पंप के द्वारा बैक प्रेशर दिया जाता है, जिसे मेम्ब्रेन के बाहरी सतह पे जो सोलिड रहता है वह रिमूव हो जाता है। बायो रिएक्टर में टोटल सस्पेंडेड सोलिड मेंटेन करने के लिए और बाहरी सतह में सोलिड हटाने और मेम्ब्रेन क्लीन कर रखने के लिए स्ट्रक्चर के, और ये आप देख सकते हैं कि यह एयर लाइन है जो एसएस स्ट्रक्चर के बॉटम में डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा एयर पास होता है, जिसे कि सस्पेंडेड सॉलिड मेंटेन किया जाता है, और जो भी मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पे सॉलिड होता है वो वहाँ से हट जाता है, गिर जाता है।